hello everyone and welcome to wings of -e quran sublog my name is Yashodra singh Jawal and welcome to my lecture series so guys this is part number second of important dates of uh, the indian struggle और इस टाइम पे हम करते हैं हमारे एम और आज भी एम सेशन तो नहीं है बट थियोरी बेस्ड सेशन रहेगा हमारा सो so शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमने कल किया था फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था आपका बॉम्बे में होना था पुना में अगर बात करें फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट की तो ये थे आपके एटीन में एट द मद्रास सेशन विच वॉज बदरुद्दीन तयाब जी राइट सो याद रखिएगा जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट बने हैं ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एटीन एटी सेवन के मद्रास सेशन में बने हैं और इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें आपके फर्स्ट इंग्लिश प्रेजिडेंट बनने वाले हैं राइट right? और फर्स्ट सेशन तो हमने कल किया था जो आपका एटीन एटी फाइव में था बॉम्बे में जो एक्चुअली में होना था आपका पूना में राइट लेकिन प्लेग फैलने की वजह से इट वॉज रीशेड्यूल्ड टू बॉम्बे राइट ओके नेक्स्ट अप नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो वो हुआ है ठीक नेक्स्ट ईयर विच इज 1888 में विच इज द अलाहाबाद सेशन जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं आपके जॉर्ज राइट सो so, 1888 में एट द अलाहाबाद सेशन जॉर्ज यूल बनते हैं आपके फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो आपका फर्स्ट सेशन था आईएनसी का बॉम्बे में उसके सेक्रेटरी थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स इसी के हिसाब साथ 1889 में ना बॉम्बे में एक सेशन होता है जो ठीक एक साल बाद होता है जिसके प्रेसिडेंट बनते बनते हैं विलियम विलियम वेबरबर्न राइट सो ये आपका 1889 का सेशन है जो आपका विलियम वेबरबर्न 1889 और फर्स्ट इंग्लिश इज जॉर्ज यूल एट द अलाहाबाद सेशन ठीक है नेक्स्ट अप थर्ड फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो ये हुआ था आपके आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जीरो नाइन विच इज द मोरले मिंटो रिफॉर्म ठीक है राइट और इस रिफॉर्म के साथ जो है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर मुस्लिम्स ठीक है और पहले इंडियन जो अपॉइंट होते हैं टू तो द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो थे सही आ, सतेंद्र प्रसाद सिन्हा वो थे आपके सतेंद्र प्रसाद सिन्हा जो बनते हैं पहले आपके आ, इंडियन टू तो बी अपॉइंटेड टू तो द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ठीक है कब हुआ था ये आपका 1909 के Act के एक्ट बाद ठीक so, है जी नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नीस सौ नौ न्यूज पेपर इन साउथ अफ्रीका सो ये अफ्रीका so, है ठीक है सो कौन सा न्यूज पेपर स्टार्ट किया था गांधी जी ने सो so, गांधी जी एटीन में जाते हैं साउथ अफ्रीका और 1894 में स्टार्ट करते हैं नाटल इंडिया कांग्रेस राइट right? और फिर स्टार्ट करते हैं आपका न्यूज़पेपर जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन ठीक है सो क्या नाम है न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर का नाम है इंडियन ओपिनियन इसी के साथ गांधी जी अराउंड 1904 में फीनिक्स सेटलमेंट शुरू करते हैं ठीक है फिनिक्स आ... फिनिक्स सेटलमेंट को शुरू करते हैं इसी के साथ 1910 में टोल स्टॉय फार्म को शुरू करते हैं ठीक है तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन इज द द नेम ऑफ नेक्स्ट अप ओके सो गाइज बिफोर आई मूव फॉरवर्ड बहुत बच्चे न कॉमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि ये कि ये टेस्ट सीरीज है क्या है सो गाइज वी हैव लॉन्च थ्री थाउजेंड प्लस जे एंड के बेस्ड जी के क्वेश्चन और ये टेस्ट सीरीज नहीं है ये आपका क्वेश्चन बैंक है ठीक है ये आपका ना लगा लीजिए आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्योंकि इसके बियॉन्ड आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है इसमें जेएड के इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जेएन के पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जे एंड के हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जीके बेस्ड क्वेश्चन है फ्लोरा पोना यू नेम द थिंग एंड यू हैव इट इन द थाउजेंड प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक सीरीज क्वेश्चन बैंक है सारे के सारे सो so गाइज इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विंग्स उड़ान पे जाकर इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा राइट right? और फिर आपको ये क्वेश्चन बैंक जो है वो अवेल हो जाएगा राइट right? कोई भी चीज आप अवेल करते हैं तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड आएगा तो वहां पे यश टेन डालेंगे तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी ठीक है नेक्स्ट अप गांधी जी फर्स्ट आश्रम इन इंडिया सो गांधी जी का पहला आश्रम क्योंकि गांधी जी केम बैक केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन नाइन्थ ऑफ जनवरी 1915, राइट नाइन जनवरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज प्रवासी दिवस ठीक है 1915 में जब ये वापस आए तो गांधी जी का पहला आश्रम बनता है द कोचरब आश्रम ठीक है ये न्यूज में रहा है क्यों रहा है क्योंकि द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रिस्टोर द कोचरब आश्रम रिस्टोर भी नहीं बोलेंगे इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको ब्यूटिफिकेशन करना ताकि कोचरब आश्रम कैन ऑल्सो बी अ टूरिस्ट स्पॉट पीपल हु कैन गो देर एंड विजिट जस्ट लाइक साबरमती आश्रम सो so, साबरमती आश्रम से पहले कोचरब आश्रम जो है वो गांधी जी का पहला आश्रम रहा 1915 से लेके 1917 तक और फिर 1917 के बाद गांधी जी का आश्रम बना साबर मति ठीक है और ये दोनों के दोनों आश्रम कहां पे हैं तो याद रखना दोनों आश्रम आपके गुजरात में हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी वॉज गिवन बाय हु सो गांधी जी ऑन कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी को 1915 में ही टाइटल दिया गया था महात्मा का राइट right? किसने दिया था तो याद रखिएगा रबेंद्र नाथ टैगोर ने ठीक है और इससे पहले ड्यूरिंग द सेकेंड बोयर वॉर जो अफ्रीका में हुई थी वहां पे गांधी जी को ऑलरेडी एक टाइटल मिल चुका था जिसका नाम था केसरी हिंद जो गांधी जी रिनाउंस करेंगे आफ्टर द फेलियर ऑफ द हंटर कमीशन ठीक है एंड द जलिया वाला बाग ऑफ कोर्स ठीक है सो याद रखिएगा नेक्स्ट स्वराज्य सभा किसका नाम था तो याद रखना 1916 में बना द में बना होम रूल लीग बनाने वाले थे तिलक एंड आर एनी ठीक है और फिर 1920 में गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया होम रूल लीग के जो कि दिल्ली में हुआ था और उसके ही फॉलोइंग ईयर में गांधी जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके स्वराज्य सभा बना दिया और फिर मतलब 1920 में ही ये बना दिया और फिर 1921-22 के अराउंड स्वराज्य सभा बिकेम पार्ट ऑफ दी ऑल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस या फिर आईएनसी ठीक है सो किसका नाम बदला गया था तो स्वराज्य सभा दैट इज ऑल इंडिया होम रूल लीग का बाय गांधी या महात्मा जी महात्मा गांधी ठीक है जी ऑल राइट नेक्स्ट आप एथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नाइनटीन ऑल्सो नोन एज द दें फोर रिफॉर्म्स Also called Montford reforms, जिसमें Montague was the Secretary of the State and Chemsford was the Viceroy of India that time, right? और इस act से क्या चीज़ introduce किया गया था? तो याद रखिएगा 1919 के act में diarchy को introduce किया गया था at the provincial level, ठीक है? मतलब सेम लेवल के ऊपर दो अथॉरिटीज रूल करेंगी इसीलिए हम इसको प्यार से दो अथॉरिटीज जो हैं वो रूल करेंगी सेम लेवल पे दो अथॉरिटीज रूल करेंगी इसीलिए हम इसको प्यार से रूल ऑफ टू भी कहते थे ठीक है और इसीलिए प्रोविंशियल प्रोविंसेस में सब्जेक्ट्स को दो में बांटा गया एक बने आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स राइट और एक बन जाते हैं आपके हाँ दिख रहा है और एक बन जाते हैं आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रिजर्व सब्जेक्ट्स जो होली सोली गवर्नर के अंडर आते थे एंड ट्रांसफर्ड जो करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर्ड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राइट नेक्स्ट आप रोल एट एक्ट ऑफ 1919 क्यों आया था तो याद रखिएगा 1919 का एक्ट वॉज जब आया गया तो इट वॉज हाईली अन तिलक ने इसको सनलेस डॉन कहा था, राइट? सो इट ट्री इन सेंस दैट नथिंग मेजर वॉज गिवन टू इंडियंस प्राइमेरली जिस तरीके से बाइफरकेशन ऑफ सब्जेक्ट हुआ था रिजर्व और ट्रांसफर्ड के बीच में इंडियंस के हाथ में कुछ नहीं आया था राइट right? सो so इसीलिए 1919 का एक्ट जो है वो अनसैटिस्फैक्ट्री होने की वजह से ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर हम इसको लागू करेंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा सो जी ओ लागू करने से छह महीना पहले इन्होंने रोलैट एक्ट ऑफ 1919 को इंट्रोड्यूस कर दिया राइट रोलैट एक्ट बेसिकली क्या था रोलैट एक्ट बेसिकली हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच इन सब को छीनने के बारे में बात करता था ऑन द बेसिस ऑफ सिडिशन या न्यूज़ पेपर पढ़ने की वजह से जो भी हमारे रिफॉर्मर्स के द्वारा थे तो अगर उनको आप पढ़ रहे हो तो वो भी एविडेंस का काम करता था सो रोलेट एक्ट को रोलेट एक्ट कहा गया क्योंकि इसको बनाने वाले फ्रेम करने वाले सिडनी रोलैट थे ठीक है और ये लाया गया था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन आराम से पास मतलब लागू हो जाए और इसीलिए गांधी जी ने इसको बोला था ब्लैक एक्ट ठीक है कभी और डिटेल में पढ़ेंगे रोलैट एक्ट के बारे में वी कैन हैव अ फुल हाफ एन आवर लेक्चर ऑन रोलैट एक्ट ठीक है सो इस चीज को याद रखिएगा और रोलेट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो रोलैट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था सो इसका ऑफिशियल नेम था एनार्किल And Revolutionary Crimes Act. ठीक है याद रखिएगा और इसको रोल एक्ट एक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाने वाले सिडनी रोल थे ठीक है जी ऑल राइट right. नेक्स्ट जलियावाला बाग मैसकर सो so, जलिया बाग मैसकर होता है 1919 में रोल एट एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया था प्राइम पंजाब और बंगाल सॉरी पंजाब और दिस दिल्ली में दिल्ली वाले रीजन में और इसीलिए जलियावाला बाग जो है वो हुआ आपका तेरह अप्रैल ठीक है 1919 सो so ब्रिटिशर्स ने पंजाब में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दी मार्शल लॉ जो है पंजाब में इम्पोज कर दिया जिसके चलते 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन होता है उस दिन को इन्होंने क्या किया हमारे जो इंडियंस थे वो देशभक्ति के गाने गाकर सब के सब क्योंकि पंजाब के लिए बैसाखी इज इक्विवेलेंट टू अ हैप्पी न्यू ईयर वाला फेस्टिवल राइट क्योंकि हार्वेस्ट सीजन शुरू होता है सो so, लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे देशभक्ति के गाने गा रहे थे और उसी टाइम पर जो है जनरल डायर जनरल डायर याद रखना एक डायर है वो एक डॉयर है जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों को बिना वार्निंग दिए जो ओनली एग्जिट पॉइंट था जलियावाला बाग का उसको बंद कर दिया और उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड 379 लोगों की डेथ हुई लेकिन एक्चुअल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मोर देन वन पीपल वर किल्ड मोर देन 1600 से ज़्यादा बुलेट राउंड बुलेट्स जो है वो फायर हुई थी सो so, जलियावाला बाग याद रखिएगा 1919 उन्निस में ये हुआ था ऑन थर्टी अप्रैल 1919 ठीक है दोस्तों सो गाइज ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बट बिफोर आई गो गाइज वी हैव लॉन्च द जेके पी कॉन्स्टेबल टेस्ट सीरीज जिसमें आपको टोटल ऑफ 18 टेस्ट मिलेंगे जिसमें से Uh, तीन जो हैं वो सेक्शनल सॉरी थर्टीन जो है वो सेक्शनल टेस्ट है एंड थ्री एंड फाइव आर फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अवेलेबल बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ जो है वो न्यू सिलेबस के ऊपर डेडिकेटेड है तो आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं टाइम बहुत कम रह चुका है जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए हमसे करनी है प्रैक्टिस तो वेल एंड गुड नहीं करनी आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से करिए लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए सो so, Numbers are mentioned over here. You can get yourself registered, and I'll see you guys tomorrow. Bye. Take care.